आज व्याकरणिक भाषा और व्याकरण इसके अंतर्गत जो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ है, पहले पत्र प्रकार हो गया, दूसरा लोकोक्तियाँ और महावरे हो गए, अब ये जो तीसरा है और आखिरी है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। अभी शब्दों अशुद्ध शब्द विशुद्ध शब्द ये शब्द देखना है। तो शब्द के पाठ के अंतर्गत हमें जाना है कि शब्दों को लिखने में अगर गलतियाँ हो जाती है, अगर कोई शब्द छूट जाता है, कोई गलत शब्द के ऊपर जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, अगर कोई शब्द पर हम जोर देकर बोलते तो उसका भी अर्थ बदल जाता है, ना कि शब्द स्थान बदल लेता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। ये सब वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ ये आज हम देखेंगे। पाठ के अंतर्गत हमने जाना था कि शब्दों को लिखने में गलतियाँ हो जाती है, तो इसी प्रकार भाषा को बोलते या लिखते समय भी अशुद्धियाँ हो जाती है। ये गलतियाँ व्याकरणिक भी व्याकरणात्मक भी हो सकती है या ये किसी क्षेत्र के विषय प्रभाव के कारण भी है कि बोलचाल की भाषा में अगर कोई शब्द आता है तो हमें वो अशुद्धियाँ देखने को मिलते तो हम बोलेंगे नहीं नहीं उधर ऐसे ही बोलते हैं। एक शब्द के लिए अलग अलग प्रांत में अलग अलग देश में अलग अलग उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो व्याकरणगत होने वाली कुछ सामान्य अशुद्धियों के बारे में हम जानते हैं। अभी ये अशुद्धियाँ किस किस के आधार पर मानी जाती है? संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। दूसरा लिंग संबंधी, यानी कि लिंग देखा जाता है परिवर्तन, फीमेल है या मेल है, स्त्री या पुरुष है, लिंग संबंधी। तीसरा है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अभी संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, रमेश तारा का बालक है, रमेश तारा का बेटा था, शुद्ध है वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या है? वे शनिवार के दिन गया था। अभी शनिवार तो है तो फिर दिन लिखने की जरूरत नहीं, वह शनिवार के दिन गया था, ये अशुद्ध शब्द हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया। तो शुद्ध क्या है? वह शनिवार को गया था। अभी शनिवार तो दिन ही का नाम है ना, शनिवार, अभी शनिवार लिखा है तो दिन लिखने की जरूरत नहीं है, वह शनिवार को गया था। ये हो गया संज्ञा संबंधी। दूसरा है लिंग संबंधी, लिंग संबंधी, उनके माताजी घर पर ही है। अभी उनके माता स्त्रीलिंगी हो गया, उनके माताजी घर पर ही है, ये गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। चाहे लड़के की माताजी हो या लड़के की माताजी हो, लेकिन क्या कहना है हमको? उनकी माताजी घर पर ही है। उनके आता है क्या वहाँ? उनके नहीं आता, यानी कि लिंग संबंधी, माता है इसलिए। हाँ, पिता अगर होंगे तो उनके पिताजी घर पर है, उनके पिताजी लिखते क्या? हाँ, नहीं लिखते। ये शब्द शुद्धिया शब्द कि उनकी माताजी घर पर है। राम आठवें कक्षा में पढ़ता है, राम आठवें कक्षा में पढ़ता है, यहाँ आठवें आता है क्या? नहीं। तो फिर ये सब लिंग संबंधी देखना है कि राम आठवीं कक्षा में पढ़ता है, ये सब देखना पड़ता है, ये सब देखना है हमें। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, ये दो लड़की चली जाएगी, ये दो लड़की, अभी लड़की एक वचन हो गया, लड़कियाँ अनेक वचन हो गए, ये दो लड़की चली जाएगी, ये अशुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द क्या है? ये दो लड़कियाँ चली जाएगी। आज का ताजा समाचार क्या है? अशुद्ध है। आज के ताजा समाचार क्या है? शुद्ध। ऐसे है ये वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। अभी कारक संबंधी अशुद्धियाँ, कारक यानी कि जो भौतिक शब्द आते हैं वहाँ अशुद्ध शब्द है। दादाजी घर नहीं है, हम कहते ना, अरे तेरे दादाजी घर पे है क्या? नहीं नहीं, दादाजी घर नहीं है। दादाजी क्या घर है क्या? ऐसा घर, दादाजी घर नहीं है, दादाजी घर पर नहीं है, सिर्फ दादाजी घर नहीं, यानी कि घर का नाम दादा है क्या? नहीं है, दादाजी घर नहीं है, यह अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या है इसका? दादाजी घर पर नहीं है। दूसरा वाक्य देखेंगे, मैंने उसे खाने में पिज्जा दिया, क्या है उसमें गलतियाँ बताओ? देखो, मैंने उसे खाने में पिज्जा दिया, खाने को पिज्जा दिया, सॉरी, मैंने उसे खाने को पिज्जा दिया। शुद्ध क्या है? मैंने उसे खाने के लिए पिज्जा दिया, मैंने उसे खाने के लिए पिज्जा दिया।